हमें मालूम जीविकाओं कैसे हुआ है कि आप मशरूम की खेती करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, हमें भी सिखाइए। हाँ सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। चलिए भाई जी, चलिए। चलिए भैया, हम मशरूम के खेती के बारे में बताएंगे। मेरा नाम ब्रिज किशोर दास है, आकाश ग्राम संगठन तेलमर से आया हूँ। आप अपना बारे में बताइए। नाम, मेरा नाम प्रेमलता कुमारी, दीप ज्योति जीव का स्वयं सहायता समूह का कोषाध्यक्ष हूँ और सीएम के काम करती हूँ। गायत्री भी हो ग्राम संगठन सोलर डी के सदस्य हूँ। चलिए ब्रिज किशोर जी, हम मशरूम के खेती के बारे में हम बताएंगे। चलिए दीदी। ब्रिज किशोर जी, इतना सामान का मशरूम का खेती में सामग्री का जरूरत है। दीदी ये क्या सामान है इसे बताइएगा। ये फॉर्मलिन है, ये फॉर्मलिन जो नापते हैं 125 सेमिल का टिप्पी है, ये भावस्टीन हुआ, ये पानी है, ये मशरूम का स्पॉन है, ये मरा हुआ चूना है, ये गेहूं का भूसा है, ये पॉलीथीन है और रबड़ है, ये पेन है, ये स्प्रे मशीन है, ये 45 लीटर का नाद है। ब्रज किशोर जी, 1 लीटर पानी डालना है और 4 बूंद फॉर्मलिन डालना है और इस कपड़े से नाद को साफ से धुलाई करना है। दीदी फॉर्मलिन डालने से क्या फायदा? इससे कीटाणु मरने के लिए डाल, इसको सफाई कर रहे हैं और पूरे पानी को निकाल कर बाहर कर देना है। अब इसमें 45 लीटर पानी का जरूरत है, डाल रहे हैं। अब नाद में पानी डाले हैं, अभी घोल तैयार करने जा रहे हैं। घोल किस लिए बना रहे दीदी? ये भूसा उपचारित करने के लिए बना रहे हैं। 125 ग्राम फॉर्मलिन डालते हैं। चार ग्राम भावस्टीन डालते हैं। सौ ग्राम मरा हुआ चूना डालते हैं। इसको अब घोल बढ़िया से घोल लेंगे। दीदी भावस्टीन डालने से क्या फायदा है? फफूंद वाली बीमारी दूर करने के लिए। और फॉर्मलिन और मरा हुआ चूना को घोल के 30 कैसे इस घोल को मिलाना है। दस केजी भूसा 45 लीटर पानी में डाल रहे हैं। दीदी भूसा क्यों डाल रहे हैं? ये भींगने के लिए डाल रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से ये भींग जाए। अभी प्लास्टिक को अच्छे से ढक देना। प्लास्टिक से इस नाद को क्यों ढकती है? ये प्लास्टिक से इसीलिए ढकते हैं कि इसका गैस बाहर ना निकले और ताकि अच्छी तरह से भूसा फूल जाए। दीदी ये नाद कितने दिनों तक ढक रखती है? ये 24 घंटे तक ऐसे ढके रहेंगे। अब इस भूसे को टोकरी में निकालना है। दीदी टोकरी में भूसा कितना देर तक छोड़ देना है? 4 घंटे तक इसको छोड़ देंगे ताकि पानी इसमें से थी पूरी अच्छी तरह से निकल जाए। इस भूसे को अब छांव में सुखाना है। चलिए दीदी। चल। दीदी छत क्यों धो रही है? छत धो रहे हैं 1 लीटर पानी में 4 बूंद फॉर्मलिन दे के ताकि सारा कीटाणु हो जो मर जाए। दीदी इस भूसा को कितना देर तक छोड़ देते हैं पसार कर? इसको जब तक मतलब भुरभुरा ना हो जाए जब तक इसको पसार के रखना है। चलिए ब्रज किशोर जी, अब भूसा तैयार है। कैसे मालूम होगा कि भूसा तैयार है? ये मुट्ठी बांधने पर मुठली बना जाता तो समझो कि नहीं तैयार है, जब भी मुट्ठी से छोड़ दिए फैल गया तो समझिए कि भूसा तैयार है।
देखिए ये पोलोथीन है, इसमें 1.5 kg भूसा आता है, इसका मोटाई 40 माइक्रोन है। अब इसको पोलोथीन में भर रहे हैं, इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको दबा देना है, और पूरा दबा देना है हल्का हल्का। उसके बाद बीज को थोड़ा थोड़ा चारों तरफ देना है, चारों तरफ देते हैं। ये सीरी विधि से हाँ, ये सीरी विधि से हुआ। और जनरल विधि होता है जो इसी में मिलाकर डालते हैं पोलोथीन में, दो दो इंच पर लेयर देते जाना है, फिर इसको भूसा इसमें डालना। सही कर करके दबाते जाइए। श्री विधि में दो दो इंच डालकर किसी भी तरीका से कर देना। हाँ, इसी तरीका से कर देना। इस भूसे में 100 ग्राम बीज पड़ा है और ये बैग अब तैयार हो गया। अब इसको मुंह को हम बांध रहे हैं। अब इसमें छेदा करना है। दीदी ये छेद क्यों कर रही है? ये गैस निकालने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये गैस निकालने के लिए, सांस लेने के लिए कर रहे हैं। दीदी ये पैक किया हुआ बैग में उजला उजला क्या दिखाई दे रहा है? ये नमी रहने के कारण इसमें माइसेलियम बन रहा है, ऐसे के कारण इसमें मशरूम निकलेगा। अच्छा, इसी से मशरूम निकल। दीदी अभी से बनाया हुआ बैग को कहाँ रखिएगा? अंधेरे रूम में रखना है जहाँ की सूरज की रोशनी नहीं जाए। दीदी इस बैग को अंधेरा घर में ही क्यों रखते हैं? सूरज की रोशनी जाने से ये खराब हो जाता है, इसीलिए इसको अंधेरा रूम में रखा जाता है। अब इसको एक एक करके शिखर में रखना है। दीदी शिखर पर क्यों लटकाई? लटका के इसीलिए रखते हैं कि नीचे वाला भी पोर्शन रहेगा जो निकलेगा फल, और ऊपर से भी निकलेगा, चारों तरफ से भी निकलेगा, इसीलिए लटका के शिखर में रखते हैं। इसमें पानी भी पटाते हैं? नहीं, एक फल जब तोड़ लेते हैं तो पोलोथीन फाड़ के निकाल देते हैं, 2-4 दिन के बाद फिर उसको हम पटाई करते हैं। इसमें कोई दवा वा भी डालते हैं? दवा नहीं डालते हैं, जब देखते हैं कि बैग काला हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तब इसको यहाँ से भूसा को काट के निकाल देते हैं, और उसके बाद उसमें 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम मतलब ब्लीचिंग पाउडर दे के और इसको पर छिड़काव कर देते हैं, उससे बीमारी निकल जाती है। उससे बीमारी निकल जाता है। दीदी इस बैग में से मशरूम कब निकलते हैं? जब 20 दिन होता है तो इसमें हेन पेड ऐसा शुरू होने लगता है 20 दिन में। अब 20 से 22-23 दिन होते होते इसमें एक फल मतलब कि तोड़ने लायक हो जाता है। 25 दिन में पहला तुराई हुआ, दूसरा तुराई हुआ 32 दिन में, और तीसरा तुराई हो गया 45 दिन में। तीन तुराई करते हैं? हाँ, तीन तुराई करते हैं। दीदी इसी कर को हम किसी भी घर में रख सकते हैं? नहीं, अंधेरे रूम में रख सकते हैं, और मतलब कि पहले रूम का स्प्रे कर लेना चाहिए 2-4 दिन पहले, 2 लीटर पानी में 100 ग्राम फॉर्मलिन दे के, और मतलब कि स्प्रे कर लीजिए 4 दिन, मतलब कि जो रूम में रखिएगा बैग को उसको दरवाजा एकदम बंद रखना है 4 दिन। दरवाजा? हाँ, 4 दिन दरवाजा बंद रखना है, 5वें दिन खोल के तब उसमें शिखर बना के आप टांग के बैग रख सकते हैं। ये देखिए, ये तो आज का बैग लगा हुआ है,
और ये 20 दिन का ये बैग लगा हुआ है और ये 25 दिन का, मतलब ये 25 दिन में फल निकल चुका है। दीदी ये कैसे तोड़ती है? इसको बस ऐसे घुमा दीजिए, ये बस टूट गया। बजकिशोर जी अभी इसमें से तो एक फल निकल गया है, अब इसको पोलोथीन फाड़ के निकाल देना है। अब इसको मतलब 2 दिन के बाद पोलोथीन से निकालने के बाद इसको पानी में डब्बा में करके डुबाते हैं। अच्छा, 2 दिन के बाद डालते हैं पानी में? अब इसको 10 मिनट पानी में डुबा के रखना है। अच्छा, 10 मिनट तक रखना है? हाँ, 10 मिनट तक रखना है। दीदी अभी इस बैग को क्या करिएगा? अभी इसको बैग को निकाल के और शिखर पर टांग देते हैं। दीदी इसमें कोई दवा भी डालते हैं क्या? नहीं, इसको दवा कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ इसको निकाल के ले जाके शिखर पर डाल देते हैं। इसको फिर शिखर पर डाल देते हैं दूसरा फल आने के लिए? हाँ, दूसरा फल आने के लिए। हाँ, सोरा डीह में हमारे यहाँ 200 महिला मशरूम की खेती है। सभी दीदी से अनुरोध है कि मशरूम की खेती करें और सभी दीदी लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।